पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के जिला मुख्यालय स्थित दो महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर महाविद्यालय और एमबीसी महिला महाविद्यालय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छात्र संघ चुनावों को लेकर पुलिस की ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रही और इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अतीत की जो घटनाएं थी इससे पुलिस ने और प्रशासन ने काफ़ी कुछ सबक लिया। शांतिपूर्वक मतदान हो चुके हैं। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं बाड़मेर के, वृत्ताधिकारी ओम प्रकाश उज्जवल। सर, दो जो कॉलेज हैं वहाँ के चुनाव थे, किस तरीके से पुलिस की रणनीति थी और चुनाव संपादित करवाने में कितने जवान अधिकारी ये सब नियुक्त रहे? ये दोनों कॉलेज जो जिला मुख्यालय पर है, महिला महाविद्यालय और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर, इन दोनों जगह करीब 500 का जाब्ता तैनात किया गया और दोनों कॉलेज में तीन स्तर पर जाब्ता लगाया गया। अंदर जहां बूथ है, यहां पोलिंग बूथ 12 थे, वहां पर 4 पोलिंग बूथ थे सभी बूथों पर। उसके बाद कॉलेज के आउटसाइड और आउटसाइड के बाद में भी जो दूरस्थ क्षेत्र है जहां की लड़के कंपेनिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के माकूल प्रबंध किए गए थे। इस बार जो पोलिंग हुई है वो महिला महाविद्यालय में 70% करीब हुई है, 70%, और यहाँ पर करीब 74% हुई है। मतदान पूर्णतया शांतिपूर्ण रहा है और जो पुलिस प्रबंध है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो शांतिपूर्ण संपन्न। सर, आमतौर पर ये युवाओं का चुनाव है दरअसल, तो यहाँ पर एक ये रहता है कि, और हर बार ये होता है कि छिटपुट घटनाएँ भी होती रहती हैं, तो इस बार क्या ऐसी कोई घटना हुई या पुलिस की जो एक पूरी रणनीति वो सफल रही, किसी भी तरीके से ऐसी जो एलिमेंट्स थे उनको काम करने का मौका नहीं मिला? ये हमारे युवा एसपी साहब डॉक्टर गगनदीप सिंगला साहब के नेतृत्व में जो व्यवस्था की गई थी, वो बैरिकेडिंग की और बाहर की जो पुलिस प्रबंध किए गए थे वो इस तरह से किए गए थे, और लगातार पिछले चुनाव की आचार संहिता की घोषणा के साथ ही लगातार इन स्कूल प्रशासन, स्टूडेंट्स संगठन के मीटिंग ली गई, उसके बाद टेंट व्यापारी प्रिंटिंग प्रेस की मीटिंग ली गई और देन कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में उनकी मीटिंग लेकर के, और लिंगदोह कमेटी की आचार संहिता है उनका अक्षरशः पालन करने के लिए सख्ताई से, कड़ाई से इनकी बीच में संवाद स्थापित किया गया, और संवाद के साथ साथ लगातार बॉयज़ हॉस्टल, इनके वार्डन्स की मीटिंग लेकर के और कानून व्यवस्था की स्थिति को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए। सर, लास्ट सवाल रहेगा कि परिणाम कब है और परिणाम आने के बाद क्या किसी भी तरह के जुलूस या विजयी किसी रैली इस तरह की परमिशन मिलेगी? ये जो है 4 तारीख को मतदान मतगणना होगी और मतगणना के बाद में और मतगणना से पहले कैंडिडेट फाइनल होने के उपरांत हमने उनको मीटिंग लेकर के और बिल्कुल कानून व्यवस्था की दृष्टि से सख्त निर्देश दे दिए हैं कि न तो मतदान से पहले रैली होगी, वो न हुई है, और मतगणना के बाद में भी किसी प्रकार की रैली नहीं होगी, यह सभी कैंडिडेट से हमने लिखवा कर ले लिया है, और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए, बाड़मेर के भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए हम किसी तरह के विजय जुलूस और रैली नहीं निकालने देंगे। आमतौर पर हर बार जो बीते चुनावी वर्ष रहे हैं उसमें अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी अशांति जैसी स्थिति बनी है, छात्र गुट आपस में भिड़े हैं और पुलिस को कई बार बल प्रयोग भी करना पड़ा है, लेकिन इस बार जो रणनीति रही है इससे यह बात स्पष्ट है कि इस तरह की रणनीति से ऐसे हालातों से निपटा जा सकता है जो हर बार चिंता का मुद्दा रहते हैं। फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान निपट चुके हैं और 4 तारीख को मतगणना के बाद शांतिपूर्वक छात्र संघ स्थापित हो जाएंगे या पुलिस को उम्मीद है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज बाड़मेर। जाओ जाओ आप अच्छी आप भी जो है वो जो जैसे उधर वाला खाली होता खाली होता ये तो लगा है सारे तो देखे हैं ये तो कौन है भैया नहीं वो
में ले सकते हो, बाहर के चूज कर कंपनियों में ले सकते हैं, राजस्थान के लिए मेन पोर्ट ग्रेटर बॉटनिकल गार्डन के सामने का जो कहते हैं आईडी अपनी मार प्रकट है आईडी ये माइक वन को यहाँ महिला महाविद्यालय भेज दीजिए।